सुधरो। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, मगर दिल से स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई बिलीव जो लोग यहाँ पे आए हैं वो एक टू व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, और अगर आप नहीं सोच रहे तो भी वीडियो तो देख ही लीजिए, क्या पता आगे लेनी पड़ जाए। मेरे साथ यहाँ पे दो और लोग मौजूद हैं, एक है मेरी पुरानी बाइक का हेलमेट, एक है मेरे नए टू व्हीलर का हेलमेट जो कि मैंने ले ली है वो, और दो दिन पहले से घर पे पड़ी है। पापा का बर्थडे था 2 मई को। आप खोलो। अब लेने के बाद स्टोरी क्यों सुनाई जा रही है, क्योंकि मैंने लेने से पहले व्लॉग किया ही नहीं, छोटे छोटे फुटेजेस रिकॉर्ड किए हैं जिनकी मदद से मैं आज स्टोरी सुना के आपको पूरी स्टोरी आपके सामने। मेरे हिसाब से बाइक लेना बहुत इजी है, क्योंकि बाइक में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यू वांट टू बाय अ क्रूजर, एन एडवेंचरर, रेसर फॉर ट्रैक्स, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। बट नॉन गियर टू व्हीलर्स में जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, सबके 100-110 सीसी के इंजन है और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सो दिस इज माय गाइड ऑफ बाइंग अ नॉन गियर टू व्हीलर इन इंडिया। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर नीड। यू वांट समथिंग व्हिच लुक्स गुड, जिसकी एवरेज ज्यादा हो, एलईडी लाइट और व्हाटएवर, जो भी आपके चॉइस एंड प्रेफरेंसेस हैं। यू वांट समथिंग विद विंटेज लुक्स, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सेकंड थिंग इज योर बजट, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए वो शायद आपके बजट में ना आए, तो आपको बजट भी ध्यान में रखना है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज तो फिर भी 1-2 साल तक रहती है, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो ऑप्शंस थे वो थे जुपिटर क्लासिक, डियो, बर्गमैन, बट वो मेरे बजट के बाहर थी। एक्सेस, बट वो अच्छी नहीं दिखती क्योंकि उसमें एलईडी लाइट नहीं है, उसमें बल्ब वाली लाइट है। इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑन द रोड, सर्विस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, आपको नॉन गियर टू व्हीलर लेते टाइम ये नहीं सोचना कि आपको कौन सी कंपनी का टू व्हीलर लेना है, आपको ये सोचना है कि आपको होंडा का कौन सा टू व्हीलर लेना है, एक्टिवा में कौन सा मॉडल लेना है, एक एक्टिवा स्टैंडर्ड और दूसरा एक्टिवा डीलक्स। एक्टिवा डीलक्स में छोटा सा पार्ट ऑफ द मीटर वॉज डिजिटल। ये तो हो गया प्री बाइंग प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ तक मैं समझ चुका था कि मुझे एक्टिवा ही लेनी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको एक्टिवा लेनी कहाँ से है। जब तक इंडियन चार दुकान नहीं घूमेंगे, उनको प्राइजेस पता नहीं चलेंगे, तब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे कि सबसे सस्ती कहाँ पे है, और सबसे सस्ती मिलने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से लेंगे। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सबसे सस्ती जगह से एक्टिवा नहीं ली। मैंने सोचा कि मैकडी का बर्गर खाने के लिए आप जम्बो किंग तो जाएंगे नहीं, मैकडी आएंगे, तो होंडा की गाड़ी है तो होंडा के शोरूम में आए बराबर। लोकल डीलर्स के पास क्यों जाऊं? बट मुझे किसी ने बोला था कि होंडा के शोरूम से आपको महंगी मिलेगी, बट डजंट मैटर, अगर सर्विस अच्छी मिल रही है, अगर क्वालिटी अच्छी है, ट्रस्ट अच्छा है, तो फिर 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहाँ पे जाके कोटेशन निकाला, उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया अच्छे से, और मैंने डिसीजन लिया कि ज़्यादा फर्क नहीं है तो हम यहाँ से ही लेंगे। उस दिन मैंने बुक नहीं की थी। एक्टिवा के 8 कलर्स हैं और 8 में से एक ही कलर अच्छा है जो मैंने ले लिया। मेरे पापा को पर्सनली ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो ब्लैक तो ऑलरेडी आउट ऑफ लीग था, और बाकी तो कलर्स मुझे पसंद ही नहीं है, रेड, ब्लू, येलो, नहीं, तो इसलिए आई एंडेड अप बाइंग। गाइस, टुडे इज 1 मई और मैं आया हूँ एक्टिवा लेने। कल 2 मई है, कल पापा का बर्थडे है, तो आज तो एक्टिवा चाहिए ही थी कैसे भी। उसको कवर करके रखेंगे, और कुछ प्लान है, सब कुछ वीडियो में आएगा, सब कुछ ब्लॉग में आएगा। मैं डिलीवरी लेता हूँ, तब तक आप थोड़ा स्लोमो एंजॉय करें। ये हमारी नई एक्टिवा है, आज इसका पहला स्टार्ट। ये चाबी, वैसे ये काम आपको करने देना चाहिए था पापा, बट आप यहाँ पे आए नहीं हो तो मुझे करना है, आई एम सॉरी, बट मैं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? नहीं बाबा, गंदी हो जाएगी, चप्पल नहीं रखनी। हाँ,
एंड बाय द वे एक्टिवा का जो प्राइस उन्होंने मुझे दिया था दैट वाज 71,000 बट 71,000 की जगह मैंने पे किया 74,500 इज बिकॉज वो मुझे 5 साल का इंश्योरेंस दे रहे थे दैट वाज 1 ईयर जीरो डेप एंड बाकी के 4 साल इज थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का हो गया ना हो गया मतलब नहीं है तो मुझे उसको अपग्रेड करवाना था तो मैंने अपग्रेड करा के पूरे 5 साल का जीरो डेप इंश्योरेंस ले लिया खर्चा एक्स बहुत ज्यादा खर्चा एक्स व्हील का पूरा बॉडी प्रोटेक्शन गार्ड है आपका ये हां फ्रंट एंड ये ट्यूबलेस टायर है ये हमारा इंजन स्टार्ट हुआ हां ये इंडिकेशन लेफ्ट राइट अपर डिपर और सीट ओपन के लिए सीट ओपन स्विच है सीट ओपन करना है ये आपका सीट कवर होगा पार्किंग कवर होगा ये आपकी व्हीकल का चेंज नंबर है जब तक व्हीकल रहेगी तब तक वो चेंज नंबर ही रहेगा इसमें चेंजेस कुछ कर नहीं सकते फ्यूल किट फर्स्ट एड किट हाँ आपका साइज है 750 हाँ 750 ml पेट्रोल है अभी जाने के टाइम आपको पेट्रोल स्टोर करना है टैंक फुल मत करना 3 लीटर 3.5 लीटर ऐसे रखना फर्स्ट सर्विस के बाद आप टैंक फुल कर सकते हो अभी फुल नहीं करना नहीं नहीं अभी फुल मत करना न्यू इंजन रहता है कारपेट की वजह से एयर प्रेशर पकड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है स्टार्टअप वगैरह में प्रॉब्लम आता है आपने हील वगैरह पे खड़ा किया तो हैंड ब्रेक यूज कर सकते हो यहाँ पे हाँ कैसे है ये ऐसे पुश करना है हाँ ऐसे पुश करके अच्छा ऐसे ऊपर करके ब्रेक छोड़ देना यस फिर इसको अनलॉक करने के लिए इसको ही दबा के अनलॉक करना ठीक है अभी INT नंबर प्लेट आता है अभी आपका जब नंबर आएगा हाँ। तो RTO ही नंबर प्लेट आपको बना के देगी RTO नंबर प्लेट बना हाँ INT नंबर प्लेट अभी न्यू स्टार्ट हुआ उसमें बारकोड स्कैनर रहेगा अच्छा। आपके व्हीकल्स के जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस नंबर प्लेट में एडिट रहेंगे ये हेलमेट है फिलहाल ब्लैक कलर का बट पापा को ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो बाद में कल आके एक्सचेंज करा के जाएंगे कल मैं उसने पापा को भी लेके आऊँगा तो फिलहाल टेम्परेरीली ये हेलमेट है क्योंकि बिना हेलमेट के सर भी सेफ नहीं है और दूसरा मेन रीज़न एक्चुअली पहला मेन रीज़न है कि पुलिस पकड़ लेगी दूसरा रीज़न है कि सर सेफ नहीं है तो हेलमेट ये पहन रहे हैं हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी अभी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं बट हो सकता था तो हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए और ये क्या चमक रही है यार गाड़ी एक नंबर सो अब लेने के बाद मेन सबसे बड़ी टेंशन ये है कि पापा को दे कैसे तो अभी हमारे रोजल भाई एक्टिवा लेके आए हैं इनके करके और एक कुत्ता परेशान कर रहा है इनको बीचों बीच एक्टिवा खड़ी कर दिया पापा गए गोडाउन में उनको बहाने से लेके गए मम्मी और वो यहाँ से आएंगे तो भैया मैं बिलोंग करता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से और हमारे लिए एक्टिवा कैश पे लेना एक बहुत बड़ी छलांग है जो छलांग हमने लगा ली है मुझे डर इस बात का था कि पापा रिएक्ट कैसे करेंगे क्योंकि उनको ये नहीं लगेगा कि इन लोग ने मुझे एक्टिवा लेके दी उनको सीधा ये लगेगा कि ये लोग पैसे कहाँ से लाए अरे वाह हैशटैग फर्स्ट राइड कितने टाइम कुछ नहीं आप टेंशन मत अरे सारी आवाज रिकॉर्ड हो रही चुप ये एक टिपिकल इंडियन पापा हैशटैग हिंदुस्तानी ट्रेडिशन पार्टी पॉपर लाया था जो मुझे लेते टाइम ही ऐसा लग रहा था कि मेरा पचका होने वाला है पचका हो सकता है और पचका हुआ भी ये काम कोई ऊपर से फाड़ा और फिर उड़ा दे ये भी स्टड्स का हेलमेट और ये भी स्टड्स का हेलमेट अब मैं स्टड्स का फैन बॉय हूँ नहीं नॉट रियली तो स्टड्स की क्वालिटी अच्छी है क्वालिटी अच्छी है प्रोटेक्शन अच्छा है बट काफी भारी और बहुत हैवी लगता है फीचर्स नहीं है इसमें ब्लूटूथ लगाने के लिए जगह नहीं दी हुई है तो मैं स्टड्स क्यों ले रहा हूँ क्योंकि सस्ता है आई एम एन इंडियन और सस्ती चीजें मुझे अच्छी लगेंगी कैसी लगी आपको हाँ, अच्छी लगी बहुत बहुत थैंक्स तेरे लिए अरे थैंक्स मम्मी को बोल मैं तो लाइफ में तुम्हारा कुछ दिया ही नहीं अरे ये आपने इस काबिल बनाया ना हमें क्या हम आपको वापस दे इतना तो ये हमारी नई नई एक्टिवा की चाबी है ये है हमारा हेलमेट इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर इसमें जाऊंगा तो खाली मैं जाऊंगा बट अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा तो चलो चलते हैं
चलो जी चलते हैं राउंड पे। ये खड़ी है हमारी नई नवेली दुल्हन। अब आप बोलेंगे कि इतना प्यार इतना ख्याल क्यों रखा जा रहा है। पहली बात तो नई नवेली दुल्हन का ख्याल ख्याल रखना ही चाहिए। और दूसरी बात ये सारे जो इसके नखरे हैं ना ये रहने वाले बस स्टार्टिंग के 10-15 दिन। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो पड़ी है गंदी धुल रही है। ओ हैव अ लुक मैन, हैव अ लुक, दिस फील्स, दिस लुक सो अमेजिंग, दिस फील्स सो ऑसम। बस बहुत हो गया फेक एक्सेंट, अभी चाबी को डालेंगे। अभी 2-3 दिन से स्टार्ट नहीं किया था, चोक खींच के स्टार्ट करना पड़ेगा। चोक से थोड़ा सा एक्सेलरेशन रहता ही है हमेशा, तो वो गाड़ी को बंद नहीं होने देता। देखते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली सीखी है, जब भी गाड़ी मैंने नई नई ली थी तो मैं ये ब्रेक दबा के स्टार्ट करता था और तब मेरे हाथ में होता था कैमरा, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं ये वाले हाथ से कैमरा पकड़ के ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था। चलो चलते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं लेकिन दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब ये वीडियो की शुरुआत तो नहीं है, तो रॉकमेल इंट्रो क्यों दे रहा है? क्या रॉकमेल का दिमाग ख़राब हो गया? नहीं। क्या रॉकमेल के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया? ये भी नहीं। दरअसल मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू अ न्यू बिगिनिंग, टू अ न्यू लाइफ। क्योंकि आज शायद से मैं मेरे ऑपरेशन के बाद, मतलब मे भी 2-3 महीने हो चुके हैं जब मैं कोई चीज़ ड्राइव करते करते मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ, मोटो ब्लॉग, मोटो जॉकी, रॉक मेहुल इज़ बैक ऑन ट्रैक। पट्टा अभी भी है ये वाला, बट ब्लॉगिंग चालू हो चुकी है एक्टिवा से, नई नई गाड़ी पे, नई नई दुल्हन। और दुल्हन ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये एक्चुअली पापा की दुल्हन है, बट इसे बोला जाता है मेरी दुल्हन। क्यों? क्योंकि जब पापा ने इसे अपनी दुल्हन बोला था तो घर में मसले हो गए थे, क्योंकि हमारे घर में उनकी एक और दुल्हन है जो मेरी मम्मी है। तो मेरे पापा इसको अपनी माशूका, अपनी बे, BAE वाला, या फिर अपनी दुल्हन नहीं बोल सकते। और हम थेड़े छड़े, हमारे सिर्फ माँ बाप, हम एंड एज आई एम अनमैरिड, तो मेरी हो गई है अब ये। अब मेरे पास 2-2 दुल्हनें हैं, एक पुरानी एक नई, 2-2 माशूका, 2 बे, जो मर्जी बोलो, कुछ भी बोलो यार, हमारे यहाँ पे मसला नहीं है कोई। जैसे कि ये नई नई दुल्हन है तो मैं इसको फुल एकदम करके भगा के टॉप स्पीड नहीं दिखा सकता, बिकॉज इसको मैं 40 के ऊपर नहीं लेके जा सकता। एंड आई वाज सपोज टू लीव एट 4 PM, बट एज यू नो गुड थिंग्स टेक्स टाइम, तो मैं लेट हो जाता हूँ हमेशा। 4 बजे निकलना था और अब 9:30 बज रहे हैं, मैं लेट निकला। तो एनीवेज बातों के पैसे हैं सारे, बातें तो अभी भी वही हो रही हैं, थोड़ा दिखे ना दिखे, कम दिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो सारे बातों के हैं, तो बातें तो हो ही रही हैं। तो बस ये थी आज की कहानी, रॉक मेहुल की जबानी, मोटो जॉकी रॉक मेहुल। और आई होप आपको इससे सीखने मिला होगा कि आप एक 2-व्हीलर इंडिया में कैसे परचेज कर सकते हैं, या आपको क्या क्या करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था छोटा सा, मैं इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इंसान नहीं हूँ, बट जो भी मैंने किया वो मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह जब नई बाइक आएगी तो और अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि दिस वाज नॉट प्लान्ड, ये तो ऐसे ही ले ली और ब्लॉग तो बाद में बनाया। बट जुड़े रहिए हमारे साथ, और एक शॉट मैंने सोचा है, वो शॉट लेना है, उसके साथ वीडियो एंड होगी।